Hello and welcome all to this session of Made Easy regarding some of the usual confusions that mostly students are, you know, generally have during their preparation or कुछ confusions अभी recently of lately ज़्यादा हुए हैं because many opportunities have come up जो कि once in a while opportunity होती हैं, जैसे RRB हो गया, BPSC हो गया, तो उनकी वजह से भी कुछ confusions create होते हैं, हो गए हैं basically. I'll try to answer them in a best possible way. Actually, जो मैं देख पा रहा हूँ, first of the confusion that, you know, lot many number of students are having as of now is, कि they are saying, sir, there are so many vacancies have come already, like BPSC, and जो major opportunity है, that is RRB. और SSC तो even मेरे ख्याल से वो तो regular आता ही है, but if you talk about RRB and BPSC, तो वो कह रहे हैं, sir, उस exam में prepare करें कि ना करें, उसके लिए स्पेसिफिक, क्योंकि उसका कुछ पर्टिकुलर जो सिलेबस है वो गेट और ESC से अलग है. फिर कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर हम किस पे फोकस करें, BPSC पे फोकस करें, RRB पे करें, गेट पे करें, ESC पे करें. तो मैं इसके लिए कह सकता हूं कि मैं जितने भी नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स हैं उनको दो कैटेगरी में मैं डिवाइड कर रहा हूं. पहले जो इसी साल प्रिपरेशन शुरू की है वो अभी रुकिए, दूसरे जो प्रिपरेशन कर चुके हैं, यू मस्ट फाइट फॉर इट आपके पास एट एनी कॉस्ट, बिकॉज नंबर ऑफ वैकेंसीज काफ़ी हाई हैं. आप अपना पूरी जान झोंकिए और उसकी प्रिपरेशन करिए और एग्ज़ाम दीजिए. आपके लिए तो कोई एंड इसमें इफ एंड बट नहीं है, आप इसका प्रिपेयर करिए और एग्ज़ाम दीजिए. ये मैं तब कह रहा हूँ कि मैं मानता हूँ कि टेक्निकल पूरा याद नहीं भी है तो कम से कम इतना तो है ना कि आपको किसी से पढ़ना नहीं है, आपको नोट्स से रिवाइज करना है अपने, तो आप कर सकते हैं उसे एक डेढ़ महीने में, अगर जान लगाएंगे तो रिवीजन हो जाएगा. और वैसे भी सरफेस पे ही पूछता है इन एग्जाम्स में क्वेश्चंस, ऐसा नहीं होता कि बहुत ज़्यादा डिग डीप करता है, कि आपको बहुत ज़्यादा उस न्यूमेरिकल एनालिटिकल एप्टीट्यूड पे कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए. नहीं, सरफेस पे भी देखोगे तो हो जाएगा. तो आपको तो ये एग्ज़ाम बिल्कुल 100% फोकस करना चाहिए, वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा है. दूसरी बात आती है आपके पास, मैं वैकेंसी ज़्यादा है ज़्यादा है ऐसे नहीं बोल रहा हूँ भाई, वो डेटा आया हुआ है, मैं उस हिसाब से बोल रहा हूँ, 9000 मेरे हिसाब से तो ज़्यादा वैकेंसी है. दूसरी बात, जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं गेट एंड ESC की, देखो बेटा आप इतनी बात समझो, उसमें टेक्निकल भी है नॉन टेक भी है. अगर आपके पास टेक्निकल आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस है कि हम आपके पास क्या है कि मैं ठीक ठाक मेरा कवरेज है सिलेबस का, तो फिर आप GS वगैरह को भी थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर करने की कोशिश करिए. मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्चुअली ये भी बोलना पसंद करता कि अगर मान लो वैकेंसी आती 500-400, मैं कहता बेटा गेट और ESC पे फोकस करो, मत डिस्ट्रैक्ट हो, कोई फ़ायदा नहीं है. लेकिन देखो सच बताऊं तो जैसे RRB है वो हर साल वैकेंसी नहीं आती है, वो वंस इन अ वाइल आती है और वैकेंसी भी ज़्यादा है. तो ऐसे में क्या है कि पेपर छोड़ना मुझे सही नहीं लगता है. तो आप क्या करो, जिसकी जिस लेवल की प्रिपरेशन है, अगर टेक्निकल तुम्हें लगता है कि मेरा थोड़ा सा ज़्यादा सिलेबस प्रिपेयर है, वो पता लग जाएगा भाई कितना परसेंटेज प्रिपेयर है. अगर आपको लगता है 40-50% प्रिपेयर है, तो फिर थोड़ा सा नॉन टेक को भी देख लो, आई गेस वो जो शायद CBT 1 में आ रहा है, तो उसको भी देख लो और फिर उसका एग्ज़ाम को आप दो. और जिनके बहुत कम सिलेबस प्रिपेयर है वो भी पेपर दे दो, क्योंकि उसमें नहीं पता जनरल में या एप्टीट्यूड में किस तरह के ईजी क्वेश्चन पूछ लें. दूसरा ये भी होता है कि जब वैकेंसी ज़्यादा होती है तो कट ऑफ भी तो नीचे जाएगी, तो जिनकी ठीक ठाक टेक्निकल पे होल्ड है, जो अभी प्रिपरेशन करना शुरू किया लेकिन उनका सिलेबस कवरेज ज़्यादा है, वो तो थोड़ा एफर्ट लगा के दे दो. लेकिन जिनका सिलेबस कवरेज बहुत ही कम है, अभी 10-20% कवरेज हुआ है, वो पेपर दे देना. लेकिन दोनों ही कैटेगरी जो इस बार प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एग्जाम से एक्सपेक्ट मत करना, पेपर से कुछ दिन पहले आपके पास थोड़ा थोड़ा उनके लिए स्पेसिफिक पढ़ने लगना, बाकी भूल जाइए. पेपर दीजिए फिर भूल जाइए उसे, सिलेक्शन हो तो ठीक है, नहीं हो तो बिल्कुल दुख दर्द मत करना. एक्सपेक्टेशन रखोगे परेशान हो जाओगे आपके पास, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन नहीं है. दूसरा, एक बच्चे ने पूछा राइट वे टू अप्रोच मल्टीपल एग्जाम्स एट अ टाइम. मतलब पहला कन्फ्यूजन तो यही है, बहुत सारी वैकेंसी आ रही है, तो मैंने बता दिया आपको कि जो पुराने स्टूडेंट्स हैं दे मस्ट फाइट फॉर इट एंड दे आपके पास मस्ट फाइट वेल. ऐसा नहीं कि बस हाँ पेपर देना, नहीं. जो नए बच्चे हैं वो इसको एग्जाम दे दीजिए, आप जितना बेसिक एफर्ट लगा सकते हैं, बट इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करिए. दूसरा डाउट ये आएगा, जैसे आप जो पुराने बच्चे होंगे जनरली उनको आ रहा होगा बहुत सारे एग्जाम्स हैं, सर मल्टीपल एग्जाम्स को कैसे प्रिपेयर करें. भाई देखो मल्टीपल एग्जाम ना, मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊँ, भले ही मल्टीपल हो बट उनका बेस कॉमन है. क्योंकि अगर मैं इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन कर रहा हूँ ना, तो मैं बैंक BPO का पेपर नहीं देता हूँ,
ना ही मैं आपके पास क्या है किसी पुलिस की भर्ती का देने वाला हूँ, नहीं। समझिए, जितने भी कॉमन एग्जाम्स है सबका बेस क्या है, टेक्निकल है, वही आप एग्जाम दे रहे हो। तो बेसिक क्या बना, जो बेसिक जो कॉमन टेक्निकल है, पहली बात तो वो प्रिपेयर होना चाहिए आपका। अगर वो ही प्रिपेयर नहीं है तो कोई पॉइंट नहीं है। तो वो किसका प्रिपेयर हो सकता है, पुराने स्टूडेंट्स का। तो अगर वो प्रिपेयर कर रखा है आपने तो बेसिक आपका हो गया, वो जो फाउंडेशन वाली बात है वो हो गई आपकी। अब जो एग्जाम आ रहा हो उसके स्पेसिफिक आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, चाहे वो नेट से, इंटरनेट से करिए, वीडियो से करिए, चाहे बुक से करिए। मान लीजिए बीपीएससी आ रहा है तो बिहार रिलेटेड जो स्पेसिफिक चीजें हैं वो पढ़िए, जो पेपर के हिसाब से। जैसे राजस्थान का मुझे पता है कि राजस्थान के शायद जेईएन में, एईएन में राजस्थान की हिस्ट्री भी पूछ लेता है वो। तो जब आपको पता है कि मेरा टेक्निकल पूरा प्रिपेयर हो चुका है तो फिर आप किसको प्रिपेयर कर लीजिए, जो आपका नॉन टेक, जो एग्जाम से पहले जब भी आपको एक महीना डेढ़ महीना मिले उसमें प्रिपेयर कर लीजिए। जो एग्जाम आए उसके पर्टिकुलर के हिसाब से प्रिपेयर करिए और एग्जाम आपके पास परफॉर्म करिए। लेकिन जो कोर है, जो कॉमन सिलेबस है, जो टेक्निकल पार्ट है, उसको तो आप पूरा प्रिपेयर रखिए ना मेजोरिटी ऑफ द टाइम देके। तो इस तरह से आप मल्टीपल एग्जाम्स को फाइट कर सकते हैं। अब कोई ऐसा भी अनाड़ी हो जाए, कह रहा सर बीपीएससी और राजस्थान का पब्लिक सर्विस एक वीक के गैप पे है, तो फिर आप प्रायोरिटाइज करिए ना भाई। आपको राजस्थान में सर्विस में आप ज्यादा वैकेंसी के बेस पे करिए, दूसरा इसके बेस पे करिए कि आपका होम टाउन किसके पास, आप कौन से स्टेट के हैं, उस हिसाब से करिए। तो उस हिसाब से आप प्रायोरिटाइज करके उसके लिए आप ज्यादा एफर्ट लगाइए। और लास्ट और तीसरा है, गेट और ईएससी के एग्जाम की प्रिपरेशन टुगेदर एक साथ करने वाली है। ये कंफ्यूजन अभी तो कम आ रहा होगा, ये अक्टूबर नवंबर में बहुत ज्यादा आएगा, ये गारंटी है। अच्छा, इसमें एक चीज समझो, आदमी जो है वो मोह होता है उसका किसी चीज पे, लालच, उसके चक्कर में वो सब चाहता है, ये सच्चाई है। लालच रखना भी चाहिए, लालच में और एम्बिशन में फर्क है। लेकिन मोह में या आपके पास एम्बिशन में फर्क ये है, मोह वाला आदमी गेट की भी प्रिपरेशन नहीं कर पा रहा है, बट लालच रखेगा ईएससी भी हो जाए, वो इवन कई बार तो सपने में सोच लेता है सिविल सर्विसेज भी हो जाए। जो एम्बिशियस है वो आपके पास क्या है, और जो थोड़ा सिंसियर है वो क्या करता है, जितना वो एफर्ट डालता है, जितना कैपेबिलिटी है उस हिसाब से वो ड्रीम रखता है। तो अब इसको कुछ इस तरह कह सकते हैं कि अगर आपको समझ आ रहा होगा कि आपसे गेट के भी प्रीवियस ईयर नहीं हो रहे, गेट की भी प्रिपरेशन नहीं हो रही है, तो आप ईएससी आप सपनों में थोड़ी कर लोगे यार। तो आप गेट पे स्टिक करिए, क्यों परेशान कर रहे हैं अपने आप को। सपने भाई कैपेबिलिटी से रिजल्ट आते हैं, मेहनत से रिजल्ट आते हैं, सपनों से रिजल्ट नहीं आते। सपनों से तो तुमने प्रिपरेशन शुरू कर ली बट सक्सेस नहीं मिलती ना उससे, सपने देखने से। एफर्ट आपके पास कभी कभी ये हो जाता है कि भाई पढ़ नहीं रहे तो अच्छा, सपना अगर ड्रीम है तो थोड़ा पढ़ने की हिम्मत मिल जाती है, बट एट द एंड तो आपको पढ़ना पड़ेगा ना यार, आपके पास ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, एफर्ट लगाने पड़ेंगे, उससे फर्क पड़ता है। तो अगर आप गेट में ही सर्वाइव नहीं कर रहे तो ईएससी का सपना आप अभी मत लीजिए, ले लेना बाद में, ऐसा कोई मना नहीं कर रहे, बट अभी मत लीजिए। तो वो तो सॉर्ट आउट हो गया, गेट करिए आप। और बार बार ऐसा लगेगा कि वो छूट रहा है, वो छूट रहा है, वो छूट रहा है, भाई वो तो जीवन में हमेशा लगेगा आपको। मैकेनिकल ले रहे होगे तो लग रहा होगा सिविल बढ़िया थी, सिविल ले रहे होगे लग रहा होगा मैकेनिकल बढ़िया थी, इलेक्ट्रिकल ले रहे होगे तो लगेगा इलेक्ट्रॉनिक्स बढ़िया थी, इलेक्ट्रॉनिक्स ले रहे होगे तो लगेगा इलेक्ट्रिकल बढ़िया थी, बेसिक जो कोर कंप्यूटर साइंस कर रहे होंगे तो लगेगा कि मशीन लर्निंग AI ज़्यादा बेहतर आजकल, अब मैं क्या डेवलपमेंट पे उस पे जा रहा हूँ, मशीन लर्निंग मॉडल वगैरह बनाऊँ, यही सब उल्टा, वो तो हर जगह लगता है, ठीक है। इवन जो BSc चले जाता है उसे लगता है इंजीनियरिंग बहुत बढ़िया है, वो तो भाई नेवर एंडिंग है। तो इसके अंदर आपको लगेगा गेट की, जब आप मन अपने मन को समझाओगे ना कि भाई तुमसे ESC नहीं हो रहा है, तुम गेट पे फोकस करो, बार बार मन करेगा वो भी कर ले, उसको सही से समझाओ, अपने डिसीजन से स्टिक करो। दूसरा, अगर आप पढ़ने में ठीक हैं, गेट की प्रिपरेशन आपसे हो पा रही है, आप ESC भी कर सकते हैं, तो आप फाइट करिए। बट उसमें क्या है, जो नॉन टेक है ना उसको रोजमर्रा पे संभालना शुरू करिए, 2 घंटे 1 घंटे जिस भी लेवल पे। अगर वो 1-2 वीक में तुम सही से मैनेज करना शुरू कर दिया कि दोनों चीज बना पा रहे हो, तब तो निकाल लोगे। लेकिन अगर परेशानी होती है तो आई वुड अगेन से फर्स्ट आप गेट को टारगेट करिए, एक बार वो अच्छा हो जाए तो फिर आप ESC को टारगेट करिए, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू फॉर योर टाइम।